प्रियंका गांधी के ऊपर हमला हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मचारी ने मेरा घर दबाने की कोशिश की। पूरे खानदान को झूठ बोलने की आदत है, ये बोलते हैं फिर बदलते हैं, कभी कहते हैं कि हमला हुआ, कभी कहते हैं कि धक्का दिया। मैं कभी व्यक्तिगत आलोचनाओं में नहीं पड़ता, लेकिन झूठ बोल के भ्रम फैलाने की आदत इनकी हो गई है। उसे CAA पर भी भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, यही कहते हैं इनके नेताओं ने कहा। इवन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड, जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, कि बांग्लादेश जैसे देशों से जो अल्पसंख्यक भारत आए हैं उनको नागरिकता देनी चाहिए, एक नहीं अनेकों कांग्रेस के नेताओं ने कहा। इनके एक नेता कहते हैं NRC कांग्रेस का बेबी है, अलग अलग बात करके फिर पलट जाते हैं। इसलिए कांग्रेस की आदत ही है कहना और बदल जाना, और इसलिए अब जनता में वो बोलते हैं तो भी जनता सच्चाई जानती है। सर, महाराष्ट्र कैबिनेट का आज विस्तार हुआ है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा, वो लोग नेस्टली सुन। सर, NRC के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम CAA की बात कर रहे हैं। CAA का मतलब सीधा ये है कि भारत से मैं जो आए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से माइनॉरिटीज के लोग, मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, वो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर आए। उनको केवल इसलिए तंग किया गया कि उनकी उपासना पद्धति दूसरी है, उनकी आस्था और विश्वास दूसरा है, और उनके लिए भारत के अलावा दुनिया में और कोई दूसरी जगह नहीं है। और हमने नहीं कहा, महात्मा गांधी ने यह कहा था 1947 में, भारत और पाकिस्तान से, भारत में पाकिस्तान से हिंदू और सिख आना चाहे तो हर नजरिए से आ सकते हैं, पर भारत सरकार के कर्तव्य होगा उनके सम्मान और जान की सुरक्षा करें, उनके रोजगार का इंतजाम करें। महात्मा गांधी जी की भावनाओं को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और जो लोग बरसों पहले धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर यहां आए, 31 दिसंबर 2014 तक उनको नागरिकता देने का कानून है। अब कांग्रेस भ्रम फैला रही, विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही, ये नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है। इसमें किसी भी भारतीय मुसलमान भाई और बहन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इसलिए ये कानून तो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद, हमारे वो भाई और बहन जिनका जान सम्मान सुरक्षित नहीं था उनको नया जीवन प्रदान किया है। ठीक सर, अकेले नासिक में 15,000 अर्जी मालेगांव से वितरित की गई महानगर पालिका से। 15,000 अर्जी मालेगांव से लेके गए लोग, मुसलमान लोग, तो उन लोगों ने अपना नामकरण दाखिल करना चालू किया है नासिक में भी। देखिए, कोई भी मुसलमान भाई बहन जिन्होंने भारत की धरती पर जन्म लिया है तो यहाँ के नागरिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे भाई बहन इस धरती पर आखिर उन्होंने जन्म लिया है, उनमें से किसी को डरने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस डरा रही है, भ्रम फैला रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की आदत तो थूक के चाटने की, कहते हैं फिर बदलते हैं, तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। और इसलिए मैं आश्वस्त करता हूँ किसी भी मुसलमान भाई को घबराने की जरूरत नहीं है, CAA से उनका कोई संबंध ही नहीं है, ये तो वहां से जो अल्पसंख्यक आए उनके लिए।
और इसलिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं।